हेलो एवरीवन, सो लेट्स टेक द सेकंड पार्ट ऑफ इट। सो ये सेट भी है, आपका सेट कोई भी हो सकता है, बट हम सेक्शन वाइज आंसर की फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सेक्शन है, इसमें डी है, आपके में कोई और सेक्शन हो सकता है, आई थिंक सेक्शन ए भी हो सकता है, जनरल अवेयरनेस का। जीएस के लास्ट ईयर हमारे 10 क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा के 25 कर दिया और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, तो 1x1 लेते हैं के क्या क्या थे। तो जैसा कि देखा है, ये पेपर जो है हमारे एक एस्पिरेंट ने भेजा है, तो सारे के सारे आंसर्स जो टिक है ना वो सही नहीं हो सकते हैं, कुछ सही है, बट आपको पूरा वीडियो देखना है, इसकी टिक पे मत जाइएगा। सो वेयर इज़ द सार्क सेक्रेटरीट लोकेटेड, जो सार्क कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका, जो एशिया में जितने भी हैं आपके, उनका जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है, वो आपका लोकेटेड है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ डी फॉर इट। वेयर वुड वन एक्सपेक्ट टू फाइंड लेटर क्वेरिटी, आपको भी पता है कि क्वेरिटी कहाँ पे आता है, आपके कीपैड में आता है, कीबोर्ड में आता है। ठीक है, तो क्वेरिटी एक तरह का कीपैड है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है कीबोर्ड में। सेकंड इज़ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, सबको पता है, उसका मौसम भी चल रहा है, आम राष्ट्रीय फल है हमारे देश का। नेक्स्ट चलते हैं, ये सवाल एक रिसेंटली इंटरेस्टिंग उससे आया है, HAL तेजस के बारे में क्या सही नहीं है। तो ये सब सही है इसमें, फर्स्ट सुपरसोनिक फाइटर जो है वो तेजस नहीं है, ये सेकंड सुपर सोनिक फाइटर है। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर HAL तेजस। नेशनल गेम्स इन इंडिया हॉकी, आप सब जानते हैं। प्राइजेज, जब ये नोबेल प्राइज़ फाउंड हुए थे, तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपने लास्ट टेस्टामेंट में जिन जिन प्राइज़ का जिक्र किया था, उनमें से कौन नहीं है, तो उन्होंने पीस का जिक्र किया था, फिजिक्स का जिक्र किया था, फिजियोलॉजी का जिक्र किया था, बट इकोनॉमिक्स का उन्होंने जिक्र नहीं किया था। सो राइट आंसर विल बी द ए, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स उनके टेस्टामेंट्स में नहीं था, बहुत बाद में इसको जोड़ा गया है। लेट्स गो अहेड। एक बहुत क्रिकेट से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि धोनी का अभी एक रिकॉर्ड तोड़ा है, जो मोस्ट सक्सेसफुल T20 के कैप्टन है, तो जो क्रिकेट के को पसंद करते हैं उनको पता होगा, रिसेंटली ये तोड़ा है और एक बहुत अनएक्सपेक्टेड पर्सन ने तोड़ा है, तो असगर अफगान इनका नाम है, जो अफगानिस्तान के कैप्टन है, और इनकी कैप्टेंसी में आई थिंक 46 और 47 मैच लगातार कंटिन्यूसली उस कंट्री ने जीते हैं, जिम्बाब्वे को हरा के लास्ट वाला। सो असगर अफगान इज़ द पर्सन जिसने धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का आया है, अगर आपको पता हो, फ्री इकोनॉमी प्राइसेस डिटरमाइंड बाई, तो अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व भी किया होगा ना, तो यू कैन गेट इट आंसर। लास्ट ईयर बस इन्होंने ऑप्शन बदल दिए, लास्ट ईयर एक और ऑप्शन था बाई द डिमांड इन सप्लाई, वो इस बार नहीं है, तो बाई गवर्नमेंट नहीं होता, फ्री बाई सप्लायर नहीं होता, फ्री बाई कंज्यूमर नहीं होता। डी इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ द एवर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर फ्री इकोनॉमी में ये इसके जो प्राइसेस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो डिटरमाइंड होते हैं, यानी तय होते हैं। आगे चलते हैं, एक और है जो कि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सवाल है, बट जो मैंने किया है मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, इस लिस्ट में से कौन ऑड है। तो एक तरीका है कि भाई ये तीन विदेशी महिलाएं हैं और एक हमारी इंडियन है, ये ऑड है, बट ये बहुत आसान सा होगा, आई थिंक नहीं देगा MGNF। दूसरा एक इंटरेस्ट इसी तरह का सवाल लास्ट ईयर आया था, अगर आपको पता हो, जिसमें ऑलमोस्ट यही चारों ऑप्शन दिए गए थे, तो अगर किसी ने लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया होगा या देखा भी होगा, तो उसको पता होगा कि श्रीमाबो बंदारनायके इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। मार्गरेट थैचर UK यानी ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये तीन ऐसी महिलाएँ हैं जो किसी न किसी देश की लीडर रह चुके हैं, यानी किसी न किसी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं फर्स्ट। हिलेरी क्लिंटन भी इस बार अगर राष्ट्रपति बनती तो वो भी एक ऐसी महिला होती जो किसी भी देश को लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन होती, लेकिन क्योंकि हिलेरी क्लिंटन जीती नहीं, हार गई, तो ये तीन एक ग्रुप के हैं और हिलेरी क्लिंटन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हिलेरी क्लिंटन किसी भी देश को हेड नहीं करती हैं, वो हार गई थी सिलेक्शन में, इसलिए ये होगा। ठीक है, तो ये तीन महिलाएं वो वर्ल्ड में अपने कंट्री को एज अ प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट करती हैं। नेशनल सॉन्ग आपको पता है, वंदे मातरम, बी की जगह वी होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चूज़ द डिफरेंट वन। सो डिफरेंट इसमें क्या है, देखिए चारों वर्ड्स के नाम है, यानी पक्षियों के नाम है। ठीक है, अगर आप क्रिकेट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो कीवी बोलते हैं न्यूजीलैंड वालों को, तो कीवी एक ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता, ईमू भी एक ऐसा पक्षी होता है जो उड़ नहीं सकता, और ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग भी एक ऐसा पक्षी होता है जो रेगिस्तान में उड़ नहीं सकता, चलता है पैदल। इसमें बस एक ही पक्षी है जो ईगल है,
चील है वो है जो कि उड़ता है, चील है उसको आप बाज कहें, तो ये इसमें ईगल विल बी द राइट आंसर बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई मेम्बर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, मेम्बर ऑफ द स्टेट असेंबली, मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तीनों के सारे मेंबर से वो इलेक्ट होते हैं और उनका जो वोट होता है वो कैलकुलेट होता है। तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न। ठीक है, तो कई लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद या गांधी जी को कई लोग मानते हैं, बट सी राजगोपालाचारी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको भारत रत्न मिला, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन, ये जिनका भी पेपर उन्होंने गलत किया है, 1955 में नहीं होगा, 1955 में तो मतलब देश आज़ाद होके बाकी सारा SBI और ये सब भी आ गया था, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंड हो गया था। तो ए विल बी द राइट आंसर। देखा हमने आपको, अगर आप स्टेप बाय ग्रुप से जुड़े रहे हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा, अगर आप तैयारी करते रहें, गांधी जी के राउंड सवाल आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स का राउंड सवाल आ सकता है। तो एक ही सवाल है, चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको पता है कि 1922 इस वेरी स्पेसिफिकली फरवरी में हुआ था, फरवरी 1922 में चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी जी ने वो वापस ले लिया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने सक्सीड किया? अब इसमें हल्का सा डाउट है, बट आई थिंक आई बिलीव कि वो मतलब मेरे हिसाब से क्लियर है। तो आपको पता होगा कि लास्ट ईयर भी हमने बताया था कि आप एक प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट याद कर लो, प्रेसिडेंट की भी लिस्ट याद कर लो, उसमें से ये एक सवाल आया है। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद की मृत्यु के बाद तुरंत बने थे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन वो कार्यवाहक थे, ठीक है, वो कुछ समय के लिए थे, मतलब कुछ महीनों के लिए, लेकिन फाइनली जो इलेक्ट होकर आए वो लाल बहादुर शास्त्री आए। तो उसमें एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि जस्ट आफ्टर जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा बने थे, लेकिन जब हम सक्सीड की बात करते हैं, सक्सीड की बात का मतलब है कि उनके बाद कौन इलेक्ट होकर आया, एक लॉन्ग टर्म जिनको हम प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं वो कौन थे। तो उसके मेरे हिसाब से लाल बहादुर शास्त्री है। लेट्स वेट फॉर द MGNF कि वो क्या इसको मानते हैं। लास्ट ईयर भी ये सवाल आया था और इस साल फिर से ये सवाल आया है, हॉर्न्स ऑफ द रेनोसोर्स, सेम क्वेश्चन। अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर अटैम्प्ट किया होगा यू कैन अंडरस्टैंड। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, डायरेक्ट आंसर इसका कहीं भी अवेलेबल नहीं है। लास्ट के आंसर शीट में मॉडिफाइड टूथ था लास्ट ईयर के MGNF की आंसर की में, लेकिन उसमें कई सारे आंसर गलत भी थे, तो हम बहुत श्योर नहीं हो सकते हैं। गूगल से अगर आप सर्च करेंगे तो नेल मतलब मॉडिफाइड हेयर ज़्यादा मिलता है, बट मॉडिफाइड हेयर एंड नेल मिलता है। तो ए और सी में कन्फ्यूज़न है। लेट्स सी कि जो फाइनल की आता है उसमें क्या MGNF को क्या लगता है, MGNF क्या मानता है। गोवा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप देखेंगे इंडियन यूनियन, तो जैसा आपको पता है कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो गोवा उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि गोवा में अंग्रेज़ नहीं बचे थे, लेकिन दूसरे विदेशी जैसे बहुत सारे थे ना हमारे साथ, डच थे और बाकी लोग थे, तो वो गोवा में बचे हुए थे और उनके अंडर गोवा था। तो फाइनली 1961 में और वेरी स्पेसिफिक अगर कहूँ तो आई थिंक एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, सो जुलाई या जून आप मान लीजिए, 1961 में गोवा इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। एस धनलक्ष्मी ब्रोक PT उषा का 23 ईयर ओल्ड का रिकॉर्ड मार्च 2021 में। सो ये मुझे मतलब नॉन ड्यूरिंग एग्जाम आई डिडंट न्यू अबाउट इट, बट आफ्टर दैट जब मैंने सर्च किया तो थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूज़न है, बट ऑलमोस्ट कहीं कहीं लाइक 200 मीटर्स दिया हुआ है, मीट रिकॉर्ड दिया हुआ है, और कहीं कहीं 800 मीटर्स दिया हुआ है। तो इसमें 800 और 200 और या 400 के बीच में कन्फ्यूज़न है, सो आई एम नॉट गिविंग एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऐसे एक या दो क्वेश्चन होंगे गाइस जिसमें कि थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वी हैव टू वेट फॉर द MGNFs। आइडेंटिफाई द ऑड वन, ठीक है, इसमें ऑड वन क्या है? ठीक है, आपको लगेगा बड़ा कन्फ्यूजिंग है, सचिन तेंदुलकर है, ये तीनों पॉलिटिशियन है, तो ऐसा नहीं है। आपको बेसिक देखना पड़ेगा, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों को भारत रत्न मिला है, ठीक है, और प्रोफेसर CN राव को भी भारत रत्न मिला है, ठीक है। तीसरे बचे सिर्फ आपके मनमोहन सिंह, जिनको कि भारत रत्न नहीं मिला है। तो ये तीन ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी और CN राव, इनमें तीनों में यही कॉमन चीज़ है,
ठीक है, बाकी और कोई कॉमन चीज़ इन चारों में नहीं नज़र आती है, तो मनमोहन सिंह विल बी द राइट आंसर, कि मनमोहन सिंह ही ऑड वन है इसमें जिनको कि भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, सिंपली वो फाइनेंस मिनिस्टर थे फिर प्राइम मिनिस्टर बने। लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट। सो 96 का अगर आप देखेंगे तो 96 वाले में वेयर वॉज अ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड। ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ? सो एज यू नो ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए होता है, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर के स्टेट से ही शुरुआत हुआ था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेकिन स्टार्टिंग इसकी जो हुई थी वो पंजाब से हुई थी। सो ए विल बी द राइट आंसर फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। लास्ट अगर आपका लास्ट के कुछ आते हैं तो फेमस बुक द गाइड, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकता है कि मुल्क राज आनंद उन्होंने फिल्म वगैरह बनाई थी, उसके अलावा वो नहीं है राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, आर के नारायणन की ये किताब है द गाइड, इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। स्टैंड स्टोन, ये आपका अगेन क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है, क्विजेज में भी आया है ये क्वेश्चन, अगर आपने क्विज अटैम्प्ट किए होंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेंडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सैंडस्टोन का सेंडिमेंट्री रॉक। लास्ट दो क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, और लास्ट दो क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आफ्टर ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, उस समय समर कैपिटल क्या थी? तो अगर आपने बेसिक हिस्ट्री भी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि मतलब पहले मतलब जहाँ भी शिमला में जितने पैक्ट हुए हैं तो शिमला लोग शिफ्ट करते थे या जाते थे वहाँ पर मीटिंग्स वगैरह करने के लिए, तो शिमला इज़ द राइट आंसर, जहाँ पर कि समर कैपिटल थी इंडिया की, नई दिल्ली पूरा शिफ्ट होने से पहले ब्रिटिश इंडिया की। ठीक है, तो उनकी दो कैपिटल हुआ करती थी, उनको जब बहुत गर्मी लगती थी वो शिमला में कैपिटल कर लेते थे, तो शिमला इज़ द राइट आंसर फॉर 99। चंद्राणी मुर्मू एक ही एमपी हैं जो यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, मतलब यंगेस्ट एमपी हैं। जब वो इलेक्ट हुई थी तो उनकी क्या एज थी? तो जैसे आप सब जानते हैं कि 18 साल पे तो आप इलेक्शन आप वोट दे सकते हो, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। 20 साल पे भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। ठीक है, तो 25 साल पे आप इलेक्शन लड़ सकते हो और 29 साल, ये दो ऑप्शन आपको लगता है, लेकिन बेसिक आप एलिमिनेशन से भी समझोगे कि इससे पहले भी जो एमपी रहे हैं, मतलब जिनके पिता ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, वो 27, 28, 29 साल पे ऑलरेडी हो जाते हैं। तो चंद्राणी मुर्मू जो अब तक की सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन है, तो 25 ईयर कुछ महीनों की थी जब उनका जब वो एमपी बन गए, तो 25 इज़ द राइट आंसर। सो 100 का आपका सी होगा, 99 का आपका बी होगा। सो गाइज दिस इज़ अबाउट द जीएस। सो अभी ये सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हमने जीएस को पूरा का पूरा कवर किया, आप इसको काउंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको अगर आप चाहें तो दोहरा सकता हूँ, एक का है आपका डी सेकंड यानी 77 का बी, 78 का आपका मैंगो, जैक फ्रूट नहीं है मैंगो, 79 का आपका है डी दैट इज़ नॉट फर्स्ट, और 80 का है आपका हॉकी, 81 का है आपका इकोनॉमिक्स, 82 का है आपका असगर अफगान जिसकी हम बात कर रहे थे, 83 का है आपका डी नन ऑफ द अबव, 84 का है आपका इन हिलेरी क्लिंटन, ठीक है, 85 का है आपका नन ऑफ द अबव, सारे जहाँ से अच्छा सॉन्ग नहीं है, चूज़ द सॉरी 85 का आपका वंदे मातरम सी है, 86 का आपका है ईगल, 87 का है ऑल ऑफ द अबव डी, 88 का है आपका जिनको पहला भारत रत्न मिला था सी राजगोपालाचारी राइट, 89 का है आपका 1935 ए, और 90 का है आपका 1922 चोरी चोरा जब हुआ था, 91 का है आपका लाल बहादुर शास्त्री, कन्फ्यूजन है डी भी हो सकता है, लेट्स सी एमजीएनएफ क्या मानता है, 92 का है आपका लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के आंसर की से ए या फिर गूगल के हिसाब से सी, 93 का है आपका 1961 सी, और 94 का है आपका कन्फ्यूजन है ए और बी में, 95 का है आपका मनमोहन सिंह सी, और 96 का है आपका पंजाब, 97 का है आपका आर के नारायणन यानी बी, स्टैंड स्टोन इज फॉर ए सेंडिमेंट्री रॉक, 99 का है आपका शिमला, और 100 का है आपका 25। तो ये लिस्ट है आपकी पूरी की पूरी जीएस के क्वेश्चंस की। नेक्स्ट में हम डीआई और इंग्लिश और बाकी पार्ट भी कवर करेंगे, सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़, एक एक करके हम सारे के सारे आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ लेकर आएंगे।